हेलो गाइस, कैसे हो आप सर? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीवो एक अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, वीवो y33t। दोस्तों, इसको नया तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपको वीवो y33s का अपग्रेड देखने को मिलता है। इसके अंदर एक दो चेंजेस कह गए, वो मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर कभी पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें डिज़ाइन की कभी बात करते हैं, तो डिज़ाइन के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ये आपको सेम वीवो y33s की तरह देखने को मिलता है। इसमें डिस्प्ले की कभी बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस LCD प्लानर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो है वो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और वीवो y33s में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था। ये तो दोस्तों, ये पहला चेंजेस इस स्मार्टफोन में किया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसमें कैमरे की कभी बात करते हैं, तो इसके रियल साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट में फोटोज और वीडियोज लेने के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते तो ये इसमें सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है। इसके अंदर आपको कॉलकम स्नैपड्रैगन 680 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलती है, जो कि 6 नैनोमीटर पे वर्क करती है। और दोस्तों, इसमें बैटरी की भी बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें प्राइस और वेरिएंट की भी बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसके प्राइस आपको 18,990 rupees देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जो फ़ोन है वो आपको ऑल ओवर सेम वीवो y33s की तरह ही देखने को मिलते हैं। इसमें सिर्फ आपको दो चेंजेस देखने को मिले, जो कि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट और इसके अंदर प्रोसेसर चेंज कर दिया है। वैसे तो दोस्तों, ऑल ओवर ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। देखते हैं, जैसे ये स्मार्टफोन हमारे पास आएगा, हम इसकी अनबॉक्सिंग जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।